मंच पे एक और हमारे भावी विधायक कहिए उनको, या हम सब के दिलों में बसने वाले हमारे पिंटू जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मैं जाति की राजनीति करूंगा ना मैं धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरे गांव का विकास मैं उस पर राजनीति की बात करूंगा। आप हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाते हो, जमीन का आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आता है तुम्हें? संथाल परगना का सबसे महत्वपूर्ण पुल बिरविंदिया पुल मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया। ये बिरविंदिया पुल केवल जानता ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना का एक लाइफ लाइन पुल होगा। रघुवर दास की सरकार में केवल यहां के नेताओं ने ठगने का काम किया। मंच पे एक और हमारे भावी विधायक कहिए उनको, या हम सब के दिलों में बसने वाले हमारे पिंटू जी। सभी यहां उपस्थित हमारे किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं जानता हूं विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो बड़ा दिल दिखाया है, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। हमें याद है, हमारा लोग हो या हमारा आदिवासी हो या हमारा मूलवासी हो या हमारा किसान भाई हो, पूर्व की सरकार में रघुवर दास की सरकार में केवल यहां के नेताओं ने ठगने का काम किया, किसी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, आज इस मंच पे सारठ के विधायक नहीं है, उनको यहां आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है। बताइए आप, कम बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो जो ये योजना आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको दिया गया। आप समझिए इन बातों को। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, अगर यहां पूर्व की सरकार आए रघुवर दास अगर मुख्यमंत्री होता और जानता अगर विधायक इरफान अंसारी होता, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए ये स्कीम आपको नहीं मिलता। आप तमाम साथियों को कहना चाहते हैं, आप समझिए, कोई पद किसी जाति का नहीं होता है। आज सारठ में और जामतारा के लोगों को जो किसानों को जो तोहफा आपने दिया है, ऐसा तोहफा जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा अल्पसंख्यक, इन भाजपाइयों ने मोहताज कर दिया, भीख मांगने पे मोहताज कर दिया। आज आप चले जाइए चित्रा, जिनका जमीन जिनका मालिक आप हैं, आप मोहताज बुला के दिया है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। आपका लोहा, आपका पानी, आपका बालू, आपका पत्थर, लेकिन हमें चोर कहा जाता है। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं, जिनके पिताजी ने राज्य लिया, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वाले से, बताइए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाते हो, जमीन का आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आता है तुम्हें? क्या जमीन का कमी है? आज हमारा धरती पुत्र अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाए तो ये खुशी की बात है, गर्व की बात है। आज आपको लाभ मिल रहा है, केवल सारठ ही नहीं बल्कि हमारा जामतारा को भी पानी मिलेगा, वहां के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तहे दिल से, मैं बीमार था लेकिन मैं इस कार्यक्रम में आया, मैं साधुवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। क्या अभी आपने देखा होगा कि पिछले कैबिनेट में अभी सबसे संथाल परगना का सबसे महत्वपूर्ण पुल बिरविंदिया पुल मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया। ये बिरविंदिया पुल केवल जानता ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना का एक लाइफ लाइन पुल होगा। मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि पूर्व रघुवर दास की सरकार में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान बताना चाहता हूं,
मुख्यमंत्री जी भी गवाते। मैं 5 साल ये भाजपा वाले से मांगता रह गया सर कि जहां पर विंध्या पुल है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अगर आप पुल बना दीजिएगा तो हमारे बच्चे वहां रोजगार से जुड़ेंगे, हमारी माताएं बहनें जिनको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, जिनको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है, सीधा धनबाद या बंगाल से जुड़ जाएगा। लेकिन इन भाजपा ने मुझे नहीं दिया। बार बार ये कहता रहा यानी मेरे पास पैसा नहीं है, बजट में पैसा नहीं है। आज बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विंध्या पुल पास कर दिया, ये मुख्यमंत्री जी का सोच है। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, आइए हम लोगों को भी देखना होगा, इनके झांसे में नहीं आना होगा। मुख्यमंत्री जी आपने 500 करोड़ का ये मेगा लिफ्ट जो योजना दिए हैं आप, निश्चित तौर पर यहां के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन एक आवाज जरूर आएगी, केवल सारठ में ही नहीं बल्कि जामताड़ा में भी आपको ये मेगा लिफ्ट जो है इरिगेशन प्लांट आपको देना होगा। ये मैं आपसे मांग करता हूं, मैं प्रशांत जी से भी मांग करता हूं, सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि हमारा मैथन है, हमारे लोगों का जमीन चला जाता है, वहां पर्याप्त पानी है, वहां के पानी से बंगाल में वहां के लोग लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा मुख्यमंत्री महोदय से मांग करूंगा, थोड़ा आप बड़ा दिल दिखाइएगा और आप घोषणा जो करते हैं आप वो करते हैं। तो फिर से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप तमाम लोगों का मैं साधुवाद देने के साथ एक अंत में एक शेर के साथ मैं अपने भाषण को मैं विराम दूंगा, क्योंकि पिंटू जी मुझे बार बार देख रहे हैं और हम ये कहेंगे, पिंटू जी निश्चित तौर पर आप जिस तरह से सरकार का साथ आप दे रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, थोड़ा मीडिया वाले बढ़िया से लिखेगा उसको, आज कोई काट मत कीजिएगा, उसका है कि यहाँ का जो विधायक बोलेगा हम किए नहीं किए, खबरदार याद रखिएगा, एकदम मुख्यमंत्री जी का नीचे लगा यहाँ। और अंत में मैं ये बात कहूंगा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं न मैं जाति की राजनीति करूंगा ना मैं धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरे गांव का विकास मैं उस पर राजनीति की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आप लोग मेरे हाथ हाथ उठा के मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, दोनों हाथ उठाकर, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in